गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। सो वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में टर्म टू में हमारे सिलेबस में क्या आने वाला है। ठीक है, तो दो चीजें हैं जो हमारे कोर्स में है टर्म टू में। पहला है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। वालेकुम अस्सलाम। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, ओके, इन अ गिवन रेशियो, एक तो ये है। दूसरा, टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, यानी एक सर्कल पे बाहर पॉइंट से हमें टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। बस ये दो चीजें आपके कोर्स में है। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल पोर्शन है इस चैप्टर में, ट्राइंगल्स को ड्रॉ करना, वो आपके टर्म टू कोर्स में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंस्ट्रक्शन में जो बेसिक चीजें आपको ध्यान देने वाली है वो ये है। एक तो आपका ये जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? नीट एंड क्लीन। ठीक है, दूसरा, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरलैपिंग मतलब कि एक लाइन ड्रॉ किया फिर उसी पे दोबारा कर दे रहे हैं, एक आर्क ड्रॉ किया उसी पे कई बार कर रहे हैं, वो इतना डार्क हो गया कि वो एक आर्क दो दो आर्क दिखाई दे रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है कि आप एक बार में वो उस आर्क और उस लाइन को ड्रॉ कर लें। ठीक है, अगर बीच में मान लीजिए आपको रब करने की जरूरत पड़ रही है तो ऐसा उसको ड्रॉ करें कि वो पता ना चले, क्योंकि कभी कभी होता है जब हम रब करते हैं रेजर से तो थोड़ा सा पोर्शन रब हो जाता है, तो उसको जल्दीबाजी के चक्कर में बस पेंसिल से ऐसे ड्रॉ कर दिया। नहीं, उसको प्रॉपरली ड्रॉ कीजिए ताकि वो एक पूरी लाइन दिखाई दे, ना कि दो हिस्सा दिखाई दे। इस टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए। और पेंसिल जो होनी चाहिए वो HB पेंसिल यूज कीजिएगा ताकि डार्क बने, मींस आप लेस प्रेशर लगाए और डार्क बने। कभी कभी बच्चे इतना लाइट ड्रॉ करते हैं, इतना लाइट ड्रॉ करते हैं कि समझ ही नहीं आता। तो लाइट नहीं ड्रॉ करना है। डार्क का मतलब ये नहीं है कि पेज को फाड़ देना है, ठीक है, लेकिन HB पेंसिल यूज किए ताकि लेस प्रेशर से आप उसको प्रॉपरली ड्रॉ कर सके, ठीक है, और वो विजिबल रहे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज आती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अक्सर बच्चे रटते हैं, ठीक है, उसको रटते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को। रटने की जरूरत नहीं है। दूसरे बच्चे क्या करते हैं कि पहले डायग्राम बना लिया उसके बाद स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना शुरू करते हैं। अब जब आप डायग्राम बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको आप लिखना शुरू करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप सीक्वेंस में आपको लिखना है कि किसके बाद आपने क्या किया, समझ रहे हैं, सीक्वेंस में आपको लिखना है। और आपने सीक्वेंस को सोचने के लिए फिर आपको टाइम अलग से लगता है। तो इसीलिए जब हम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये आपकी बोर्ड की कॉपी है, ठीक है, बीच में ये पोर्शन है, मतलब ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ये बीच में डिवाइडर है, पॉइंट को समझिए। तो जब भी कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन आए, मैं तो यही करता था, जब भी कंस्ट्रक्शन, तो ये एक पेज पूरा, अगर मुझे पता है कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ा होने वाला है तो मैं एक पेज ही लेता था। तो मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहां पे मैं डालता सॉल्यूशन 3, उसके बाद इस पेज पे डाला स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और यहां पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया। मान लो कि सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो मैंने यहां पे पहले एक सर्कल बनाया, तो पहले ही उसको लिख दिया, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। पॉइंट समझ में आ रहा क्या करना है? फिर उसके बाद सेकेंड, ठीक है, इस टाइप से, यानी एक एक स्टेप करते चले जाओ और उसको लिखते जाओ। तो वहां पे कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन करना ये नहीं है कि मान लीजिए अब कॉपी है, फॉर एग्जाम्पल, अब अगर इस वाले पेज पे करोगे तो पता चला इधर ड्रॉ कर रहे हो, पलट के लिखना पड़ रहा है तुम्हें, ठीक है, ड्रॉ कर रहे हो फिर लिखना पड़ रहा है, ड्रॉ कर रहे हो लिखना पड़ रहा है, ये नहीं करना है, तब तो टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसे पेज पे करना है
कि लेफ्ट साइड में आप कंस्ट्रक्शन करते जाओ, ठीक राइट साइड में आप उसको लिख सको। तो इससे आपको कम टाइम लगेगा कंस्ट्रक्शन करने में और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को लिखने में, अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को पूछ रहे। अगर एक्सक्लूड करने को बोल रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन करके ड्रॉ करना है, दैट्स इट। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? अब देखो, अच्छा पिछले सेशन का भी कंस्ट्रक्शन का वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, यानी लेक्चर्स में पिछले कंस्ट्रक्शन का भी लेक्चर वीडियो, सारे लेक्चर्स के अवेलेबल है पिछले सेशन का। अब यहां पे सबसे पहले कहते हैं टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, यानी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है उसको एक गिवन रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, जब भी रेशियो दिया जाएगा या तो इस फॉर्म में दिया जाएगा जैसे लिखा हुआ है एम इज टू एन के फॉर्म में, लाइक 3:2। दूसरा क्या तरीका है रेशियो लिखने का, या तो इस फॉर्म में दे सकता है, ये देखिए, ये 3:2, ये ठीक है, लेकिन जनरली रेशियो की फॉर्म में आपको मिलेगा, क्लियर। तो अब इसमें दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स में से कोई सा भी एक मेथड प्रैक्टिस कर लो जो सिंपल, ठीक है। तो अब यहां पे अगर ये कह रहा है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करना है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, उसी हिसाब से उसको समझेंगे। ये तो ट्राइंगल वाला है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it into the ratio of 5:8, ठीक है, and measure the two parts। अब यहां पर यह question है, यानी जो line segment है वो 7.6 centimeter है और उसको 5:8 के ratio में हमें divide करना है। अब देखो यहां पे आप, ठीक है, अब इसी को समझेंगे क्योंकि आपको पता है कैसे कंपास चलाते हैं, कैसे प्रोट्रैक्टर यूज करते हैं, वो सब आपको पता है, ठीक है, उसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, कंपास को कैसे मींस हैंडल करते हैं, प्रोट्रैक्टर को कैसे हैंडल करते हैं, हाँ। तो अब देखो यहां पे अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे ए बी ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। देखो क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे, ठीक है, और स्केल से हम एक लाइन 7.6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब इसको मेंशन कर देंगे ए बी, स्केल से 7.6 सेंटीमीटर, और फिर यहां लिख देंगे क्या 7.6 सेंटीमीटर, ये कर लिया। तो आप देखो लिखेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ए बी या ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हो गया, ये पहला कंस्ट्रक्ट 7.6 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप इसमें क्या करना है हमें, अब एक हमें रे ड्रॉ करनी है, कोई सी भी रे, ठीक है, अब इसको हम बोल देंगे रे ए एक्स, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे, अब देखो ड्रॉ रे ए एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ ए बी, यानी हम रे ए एक्स को ड्रॉ करेंगे विच मेक्स एन एक्यूट एंगल विथ ए बी। अब देखो स्टेटमेंट को देखो, ताकि इसी स्टेटमेंट को आप लिख दोगे यू विल गेट फुल मार्क्स। तो सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप क्या हो गया, 7.6 सेंटीमीटर की हम लाइन सेगमेंट खींचेंगे, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हो गया, मींस हम एक रे ड्रॉ करेंगे मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ ए बी, तो उसको भी मेंशन किया। अब उसके बाद थर्ड स्टेप, यानी किस रेशियो में डिवाइड करना था, 5:8,
ठीक है, तो अब 5:8 मतलब 5 + 8 करो कितना आया, 13 सेगमेंट आ गया। तो अब हम इक्वल इक्वल 13 सेगमेंट्स को इस रे ए एक्स पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वहां पे क्या लिखेंगे, लोकेट 13 पॉइंट्स, 5 की जगह यहां पे क्या कर देंगे, 13 पॉइंट्स, क्योंकि जिस रेशियो में डिवाइड किया, जैसे यहां पे 3:2 था तो दोनों को ऐड किया कितना आया 5, तो 5 छोटे छोटे सेगमेंट्स को ड्रॉ करेंगे। 5:8 के रेशियो था तो 5 + 8 कर देंगे, 8 + 5 कितना हो गया 13, तो 13 छोटे छोटे सेगमेंट्स को ड्रॉ करेंगे। और फिर देखो यहां पे लिखेंगे लोकेट 13 पॉइंट्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 13 पॉइंट्स A1, A2, A3, A4 डॉट 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 अप टू A13 ऑन AX, सो दैट A1 A1 इज इक्वल टू A1, A2 इज इक्वल टू A2, A3 इज इक्वल टू A3, A4 सच दैट। तो चलो इसको लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम अपना कंपस लेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। ये मान लो इसका नीडल पोर्शन है और ये हमारा पेंसिल है, ये हमारा पेंसिल है और ये हमारा नीडल, ठीक है। तो अब इस कंपस से हम एक छोटा सा रेडियस ले लेंगे, ठीक है। अब नीडल को यहां रखेंगे ए पे और एक कट लगाएंगे, फिर उसके बाद नीडल को यहां रखेंगे दूसरा कट, फिर नीडल को यहां रखेंगे तीसरा कट सेम रेडियस से। तो ऐसे करते करते हमें 13 पार्ट्स ड्रॉ करने हैं, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हो जाएगा हमारा A1, अब इसको मार्क कर देंगे, ये हो जाएगा A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और ये हो गया A13। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, अब यहां पे तो 5 सेगमेंट्स थे, तो यहां पे इन्होंने A1 A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 करके आपने स्टेटमेंट को ये लिखना है, ठीक है। लेकिन वहां पे 13 है तो क्या 13 तक लिखेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं कि लोकेट 13 पॉइंट्स A1 A2 A3 डॉट 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 A13 ऑन AX सच दैट A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 इज इक्वल टू डॉट 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 दैट इज A12 A13। वहीं समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट? पीयूष बेटा क्या हुआ, आपको रिजल्ट नहीं मिला अभी? कौन कौन है, अदनान, रिया, पीयूष, वफा? अच्छा इतना डिले क्यों कर रहे हैं? हाँ यहां पे भी जो डीपीएस है अलीगढ़ में, यहां पे भी जो है वो अभी रिजल्ट नहीं आया है, मतलब इसको ना प्रोवाइड नहीं किया है, पता नहीं, आई डोंट नो अब क्या है, क्या जेन्युइन रीजन है इसके पीछे। ठीक है, अब इसको जो है हम नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो बी है, बी से अब A5 A13 को हम ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब देखो यहां पे अगर गौर से देखो तो मेरा येलो लाइन और व्हाइट लाइन देखो यहां पे ज्वाइन दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम आप एंड टू एंड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, सी दिस, ज्वाइन BA13, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये तो हमने कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमें रेशियो क्या चाहिए था, 5, 5:8। तो देखो यहां से काउंट करो, यानी कि ये A5 यहां तक आ रहा है, उसके बाद 13 A13 यहां तक आ रहा है, देखो यहां पे 8 पार्ट्स हैं, यहां पे 5 पार्ट्स हैं,
तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ए फाइव से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो बी ए थर्टीन के पैरेलल होनी चाहिए, यानी यहां से क्योंकि 5:8 है तो पहले पांच पार्ट को हम काउंट कर लेंगे, तो ए फाइव से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए ए थर्टीन के। तो देखो यहां पे लिखा हुआ थ्रू द पॉइंट ए थ्री, यानी ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे थ्रू द पॉइंट ए फाइव ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए थर्टीन बी, ओके, एट ए फाइव इंटरसेक्टिंग ए बी एट पॉइंट सी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब हम कंपस लेंगे अपना, ये जो है ये कंपस लेंगे, बहुत गौर से समझ लें कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके नीडल को यहां रख के कोई भी एक एप्रोप्रिएट आर्क, यानी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बहुत ज्यादा छोटा आर्क नहीं, छोटा आर्क ज्यादा ले लेंगे तो अनकंफर्टेबल हो जाता है कंपस को चलाना, तो यहां पे रखा एक एप्रोप्रिएट आर्क लेके आप यहां पे एक आर्क मार्क करेंगे, एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेके यहां पे एक आर्क को मार्क किया, उसके बाद सेम रेडियस लेते हुए यहां पे ए फाइव पे नीडल रखेंगे और फिर उसके बाद आर्क को ड्रॉ करेंगे, समझ में आ गया, यानी कंपस लेके एक एप्रोप्रिएट आर्क लेके ए थर्टीन से आर्क को ड्रॉ करेंगे और फिर सेम रेडियस पे ए फाइव पे रखेंगे और उसके बाद इस आर्क को ड्रॉ करेंगे, यहां तक पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखो अब ये जो पॉइंट है ये इस पे यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट और इसका यहां पे, यानी इन दो पॉइंट्स पे, तो कंपस को लेना है और निडल को यहां रखना है और पेंसिल को इस पॉइंट पे रखना है, यानी हमने लिया कंपस और फिर उसके बाद इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे निडल रखा और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे पेंसिल को रखा, ठीक है, उसको एडजस्ट करेंगे, अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करेंगे, मतलब एडजस्ट करेंगे इन दो पॉइंट्स पे और सेम रेडियस लेते हुए उठाएंगे और फिर उसके बाद नीडल को यहां रखेंगे और आर्क मार देंगे यहां पे पेंसिल से, ये स्टेप समझ में आया, देखो फिर से मैं बताता हूं, देखो मैं बताता हूं, रुक जाओ, जैसे यहां पे रखा कंपस को, नीडल यहां रखा, पेंसिल यहां रखा, ऐसे समझ, चलो ऐसे कर लो, निडल यहां रखा और पेंसिल को यहां रखा, मतलब एक्सटेंड करेंगे और फिर यहीं से उठा के फिर उसके बाद निडल को यहां रख के और उसके बाद हम आर्क को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहां पे इस आर्क को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे, असल में मैं यहां पे टूल्स भी ले आता लेकिन उसके लिए साइन इन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, आज भी प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन जल्दी सही हो गई, तो इस वजह से मैंने उसको साइन इन नहीं किया, ठीक है, बिना साइन इन के मैं टूल्स को नहीं यूज कर पाऊंगा, तो यहां पे इस तरीके से मार्क किया। अब क्या करेंगे, इस ए फाइव से होते हुए, देखो अब इस ए फाइव से होते हुए और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए हम जो है लाइन को ड्रॉ करेंगे ए बी इंटरसेक्टिंग एट सी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो टेढ़ा जा रहा है, यस, तो हम यहां के हिसाब से मैनिपुलेट कर लेंगे, लेकिन वहां पर अगर टेढ़ा जाएगा तो याद रखिए इसका मतलब वो गलत है, क्योंकि आप ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, तो यहां पे मैं चालाकी कर रहा हूं, यहां पे मैंने जो है वो किया, ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इससे होता हुआ लाइन को ड्रॉ करोगे और ये एकदम इसके पैरेलल होना चाहिए,
अब ये जो ए बी है ये इंटरसेक्ट करेगा सी पे, यहां पे। तो देखो अब ये जो ए सी इस टू सी बी हो जाएगा, दैट विल बी 5:8। तो यहां पे लास्ट में क्या लिख देंगे, इंटरसेक्टिंग ए बी एट सी, देन ए सी इज टू सी बी इज इक्वल टू 5:8। तो इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं। आगे बढ़े, वालेकुम अस्सलाम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ट्राइंगल वाला आपके कोर्स में नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, टू कंस्ट्रक्ट द टैंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। ठीक है, अब देखो उस दिन हमने जो किया था सैंपल पेपर में ये वाला क्वेश्चन, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टैंजेंट्स ऑफ रेडियस, वहां पे 4 सेंटीमीटर आई थिंक दिया हुआ था, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो सैंपल पेपर में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट करना क्या टेंजेंट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ड्रॉ अ सर्कल। और जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो उसको लिख दो बस। अब यहां पर कह रहे ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले कह रहा है कि एक सर्कल को ड्रॉ कीजिए, तो चलो अब सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप क्या लेंगे, कंपास लेंगे और एक 6 सेंटीमीटर का ये मैंने ड्रॉ किया, 6 सेंटीमीटर का अकॉर्डिंग टू मींस इट्स डायमेंशन, ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये हो गया। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टैंजेंट्स टू द सर्कल। अब ये कह रहा है जो इसका सेंटर है, ठीक है, ये मान लो इसका सेंटर है, this one that is center O। तो यहां से कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूर, तो स्केल लेंगे और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर होगी। ठीक है, यानी पॉइंट। तो ये हो गया हमारा AO। तो पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सेकेंड, draw a line segment AO is equal to 10 centimeter। ये क्या, थर्ड अब क्या होगा, देखो अब जब हम, क्योंकि इस A से हमें टैंजेंट को ड्रॉ करना है सर्किल पे, ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, इस AO का हम को हम बाइसेक्ट करेंगे। और किसी भी लाइन का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको पता है, मींस कंपास को लेते हैं, मोर देन हाफ रेडियस लेते हैं और फिर उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करते हैं, फिर दूसरा आर्क ड्रॉ करते हैं।
सेम रेडियस से नीडल को आप यहां रखेंगे, फिर सेम रेडियस पे आर्क को ड्रॉ करते हैं ऊपर नीचे, और फिर उसके बाद इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारी जो लाइन होती है दैट इज ए बी, ये बाइसेक्ट हो जाती है। ये तो पता है लाइन का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। हाँ भाई, लाइन का बाइसेक्टर ये सिक्स सेवेंथ में सिखा दिया जाता है। तो यहां पे भी हम यही करने वाले, ठीक है। जैसे कि आप यहां पे गौर से देखें, ठीक है, जैसे ये पीओ है, तो देखो इस पीओ का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, एम इसका मिड पॉइंट है, तो यहां क्या लिखा हुआ है, टेकिंग एम जॉइन पीओ एंड बाइसेक्टेड, मींस जॉइन पीओ एंड बाइसेक्टेड, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ पीओ। स्टेटमेंट देखिए, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो यहां पे हम क्या करने वाले, एओ का बाइसेक्टर, तो कंपस लेंगे, इसको ओपन करेंगे मोर देन हाफ, यानी अगर आप नीडल यहां पे रख रहे हैं कंपस की, तो जो रेडियस है उसके हाफ से ज्यादा आप उसका रेडियस लेंगे, ठीक है। कि मान लो आपने ये ऐसे रखा कंपस को, तो अब मोर देन हाफ जो है आप रेडियस लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आर्क को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यही नीडल पे रखते हुए आर्क को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद नीचे आर्क को ड्रॉ करेंगे, फिर बिना उसको डिस्टर्ब किए नीडल को ओ पे रखेंगे, और फिर यहां से आर्क को ड्रॉ करेंगे और नीचे आर्क को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आर्क आपने ड्रॉ किया है और दूसरा आर्क ऐसे आ रहा है, तो फिर वापस ए पे जाके उस आर्क को कंप्लीट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब जहां इंटरसेक्शन हुआ था वहां पे हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। देखो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक, तो ये जो हमारी लाइन होगी, और इसको आप कैसे रखेंगे, डॉटेड, क्योंकि ये आपका मेन लाइन नहीं है, ये याद रखिएगा, क्या रखेंगे, डॉटेड, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यहां पे, दिस एम विल बी द मिड पॉइंट, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एओ, नेक्स्ट वन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एओ, ओके, विथ एम एज मिड पॉइंट, यहां पे लिख देंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एओ विथ एम एज मिड पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस एम पॉइंट को लेके, याद रखिएगा, इस एम पॉइंट को लेके हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल, तो कंपस को लेंगे, नीडल को यहां रखेंगे और पेंसिल को यहां रखेंगे एग्जैक्टली, और उसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अगर हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं तो फिर हम सर्कल को कंप्लीट कर देंगे ऐसे, और अगर सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ करना है तो सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, जब आप सेमी सर्कल को ड्रॉ कर रहे हो तो यहां पे एकदम एग्जैक्टली उसी एंड पॉइंट से क्रॉस करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट ये है और सेमी सर्कल यहां से क्रॉस कर रहा है या बाहर जा रहा है, ये मत कीजिएगा, एकदम एग्जैक्टली उसी पॉइंट से क्रॉस करना चाहिए, अगर कंस्ट्रक्शन करेक्ट है तो वो करेगा। तो अगर एक लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं तो हम सर्कल को कंप्लीट कर देंगे, डॉटेड लाइन से, इट्स नॉट आवर मेन सर्कल,
और उसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग एम एज सेंटर, टेकिंग एम एज सेंटर एंड ए एम एज रेडियस. यहां पे कितने टेंजेंट्स को ड्रॉ करना था, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स. ठीक है, तो यहां पे टेकिंग ए एम एज रेडियस ड्रॉ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट, अब यहां पे इसको कुछ नाम दे दीजिए, इसको दे दीजिए फॉर एग्जांपल डी और इसको दे दिए फॉर एग्जांपल ई, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट डी एंड ई, फाइव. अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ जॉइन ए डी एंड जॉइन ए लाइक दिस. सो नेक्स्ट स्टेप जॉइन ए डी एंड ए, दैट्स इट, हो गया. कोई डाउट? जितनी चीजें इसमें बताई हैं, जो तरीका बताया है, कहां कहां पे गलती होती है उसको देखना है, और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन को आप करें. ठीक है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट यानी एक टेंजेंट ड्रॉ करना है ऑफ रेडियस, सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजर बाय एक्चुअल कैलकुलेशन. तो अब यहां पर यह कह रहा है कि एक तो 4 सेंटीमीटर का सर्कल है, यानी 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, और दूसरा जो है सर्कल कॉन्सेंट्रिक है और उसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर. तो चलिए उसको ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो एक सर्कल है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया, और दूसरा सर्कल है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, ये है. तो पहले एक सेंटीमीटर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, दोनों का सेंटर सेम होगा तभी तो कॉन्सेंट्रिक है. ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ड्रॉ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. पहला स्टेप ये हो गया. अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट, मींस एक पॉइंट है, यानी मान लो कि यहां पे ये पॉइंट है जो आउटर सर्कल है, इस पे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से आपको जो सर्किल ये अंदर वाला है उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है. ठीक है, तो पहले स्टेप क्या हो गया, ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. ये हो गया. अब सेकेंड स्टेप, जब भी आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ेगा तो जिस सर्कल पे आपको ड्रॉ करते हैं तो उसके सेंटर से आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, ठीक है, ज्वाइन ए ओ. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या हो गया, ज्वाइन ए ओ. ठीक है, अब इस ए ओ का हमें क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, तो अब यहां पे वही करेंगे, अब ए पे नीडल रखा, रेडियस लिया मोर देन हाफ यानी हाफ से ज्यादा, और फिर उसके बाद लाइक दिस, फिर यहां पे ओ पे रख के, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है क्योंकि एकदम एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना पाऊंगा इस पे, क्योंकि अभी डायरेक्टली टूल्स को नहीं यूज कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लेता हूं.
ठीक है। ठीक है, अब बी और ए पे हम क्या लेंगे, बी और ए यानी बी पे नीडल रखेंगे कंपास का और ए पे रेडियस लेंगे, और फिर यहीं पे रखते हुए हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक सेमी सर्कल जो ओ से क्रॉस करे, सिर्फ सेमी सर्कल क्योंकि एक ही टैंजेंट ड्रॉ करना है, और उसके बाद फाइनली मतलब इंटरसेक्टिंग एट मेक इट सी। ओके, तो यहां पे लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बनाते जाएंगे लिखते जाएंगे, ऑफ एओ इंटरसेक्टिंग एट बी। नाउ फॉर द स्टेप टेकिंग बी एज सेंटर एंड ए बी एज रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल इंटरसेक्टिंग एट सी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ज्वाइन ए सी। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी, यहां पे लिख दे रहा हूं, ये मेरे पीछे दिखाई नहीं देगा, ज्वाइन ए सी, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ओके, ड्रॉ टैंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब देखो ये कह रहा है, एक तो सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का, फिर उसके बाद टेक टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर Each at a distance of 7 सेंटीमीटर from the center। तो मैं सिचुएशन बता दे रहा हूं आपको, बाकी कंस्ट्रक्शन कैसे करना है सेम है। अब 3 सेंटीमीटर का ये हमने सर्किल लिया, ठीक है, उसके बाद ये इसका सेंटर हो गया O, और इसका रेडियस कितना हो गया 3, यानी 3 सेंटीमीटर ये, और अगर आप इसका डायमीटर ड्रॉ करोगे, मान लीजिए डायमीटर आपने ड्रॉ किया, ठीक है, तो डायमीटर अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, मतलब दैट इज 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ओके, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो आगे क्या बोल रहे, टेक टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ओके, यानी अगर इसको एक्सटेंड किया हमने डायमीटर को, ये हो गया और ये हो गया, स्केल से एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो पी और क्यू जो है दो पॉइंट्स हैं जो सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर है, यानी मान लो ये पी है तो यहां से लेकर यहां तक 7 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो स्केल से जब मेजर करोगे तो यहां से यहां तक तो 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें 4 सेंटीमीटर और आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से इधर क्यू है, ये भी 4 सेंटीमीटर आगे होगा, तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यही बोल रहा है। ठीक है, टेक टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, एक डायमीटर को आपको एक्सटेंड करना है, और ईच एट अ डिस्टेंस, यानी पी सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर है और Q सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर है, तो इन दो पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सिंपल, अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, P और O का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, ठीक है, मान लो ये हो गया R, ठीक है, अब R और P से तुम सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है, और जहां पे कट करेगा उसको ज्वाइन कर दोगे,
सिमिलरली अब ओ और क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, ठीक है, मान लो ये एम हो गया, फिर एम और क्यू को रेडियस लेके फिर उसके बाद आप सेमी सर्किल ड्रॉ करोगे और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसको ज्वाइन कर दोगे, हो गया कंस्ट्रक्शन। कोई कंफ्यूजन इस कंस्ट्रक्शन में? वही चीज है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, अब उसी सिचुएशन को दोनों तरफ दे दिया है बस। तो जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाओ, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ऑफ एट सेंटर ओ, नाउ ड्रॉ ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी इंटरसेक्टिंग एट आर, now take r as center and rp as radius, draw a semicircle intersecting the circle at make it something like b and make it c intersecting at b, now join bp, similarly draw perpendicular bisector of oq intersecting oq at m, take m as center and mq as radius, draw a semicircle intersecting the circle at c, now join qc, that's it। अभी भी किसी को डाउट है इसमें? एकदम ऑनेस्टली बताओ, क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ। देखो जनरली जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, मान लो इस एक्सटर्नल पॉइंट से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो पहले इसको ज्वाइन करूंगा, फिर इस एओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, फिर इस मिड पॉइंट से रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा और जहां पर यह इंटरसेक्ट करेगा उसको ज्वाइन करूंगा, यही तो स्टेप होता है टेंजेंट ड्रॉ करने का। अगर दो टेंजेंट है तो इस सेमी सर्कल को कंप्लीट कर दूंगा सर्कल में और यहां पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसको हम यहां पे कनेक्ट कर देंगे, यही तो होता है। तो इस क्वेश्चन में इसी सिचुएशन को दो साइड में दे दिया, दोनों साइड में दे दिया बस। यहां पे ये है तो अब ये कह रहा है कि जो उसका डायमीटर है उसके डायमीटर को, यानी ये डायमीटर मान लो ये डायमीटर है, तो अगर उस डायमीटर को हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, यहां पे ये देखो जॉइंट्स दिख रहे हैं, ऐसा दिखना नहीं चाहिए, अगर एक्सटेंड करते हैं तो इस डायमीटर पे जो दो पॉइंट्स हैं, यानी ये कह रहा है ना पी और क्यू, तो ये दोनों 7 सेंटीमीटर दूर हैं सेंटर से, तो इसका मतलब सेंटर से ये पी भी 7 सेंटीमीटर दूर हो गया और इस सेंटर से क्यू भी 7 सेंटीमीटर दूर हो गया, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का तो रेडियस है और जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ओपी पूरा 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो पहले स्टेप हमने ये कर लिया, दूसरा टेक पी एंड क्यू टू पॉइंट्स
such that OP is equal to OQ is equal to 7 centimeter. ये हो गया. अब ये कह रहा है कि P से एक tangent draw करो, Q से भी एक tangent draw करो. तो इसको half of समझो. P external point है, तो जैसे external point से draw करते हैं tangent, वैसे ही करेंगे same. बस एक वक्त एक बार इस साइड से करेंगे लेफ्ट से और एक बार राइट साइड से करेंगे. पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे यही करेंगे. P और O ये जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है. अब ये हो गया M, मिड पॉइंट. इस M और P को लेंगे और सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. अब जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा मान लो B पे, तो अब इस PB को ज्वाइन कर देंगे. दैट्स इट. ऐसे ही तो ड्रॉ करते हैं टेंजेंट. तो एक तरफ से किया. अब इसको लिखेंगे कैसे? वही ड्रॉ परपेंडिकुलर, वही सेम चीज लिखनी जो अभी पिछले दो क्वेश्चंस में किया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO. ठीक है, इंटरसेक्टिंग PO एट M. ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? टेक M as center and MP as radius. Draw a semicircle intersecting the circle at B. ठीक है, इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट बी. नाउ फिफ्थ स्टेप, ज्वाइन पी बी. ये हो गया. अब सिमिलरली इधर से करना है, यानी सिक्स स्टेप क्या हो जाएगा? अब ओ क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. इसको एन मान लिया. अब एन क्यू का रेडियस लेना है, सेमी सर्किल ड्रॉ करना है. इंटरसेक्ट करेगा डी पे, इसको ज्वाइन कर देना. उसी चीज को यहां पर लिख देंगे, यहां से लेकर यहां तक जैसे आपने लिखा है, सेम इस ओ क्यू के लिए इसको आप लिखोगे. अब पॉइंट समझ में आया? अभी भी कोई डाउट? ठीक है, फोर्थ वाला ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं सैंपल पेपर में. ठीक है, अब ये कह रहा है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी एक लाइन ए बी आपको ड्रॉ करना है, तो स्केल से 8 सेंटीमीटर का ठीक है, ये आपने 8 सेंटीमीटर का ज्वाइन किया, इसको मेंशन किया, दैट इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है, आगे क्या बोला? टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. यानी ए को सेंटर लेना है, यानी कंपास लिया और 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल को ड्रॉ करो. हालांकि ये तो बीचों बीच आएगा क्योंकि 8 सेंटीमीटर का ही है, तो 4 सेंटीमीटर एकदम बीचों बीच आएगा. ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल को ड्रॉ करना है, ये बोल रहा है. यानी ए को सेंटर लेना है और 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है. आगे क्या बोल रहा है? एंड टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. यानी बी को सेंटर लेना है और एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है और उसका रेडियस क्या होगा? 3 सेंटीमीटर. तो यहां से लेकर यहां तक 4 है, तो 3 सेंटीमीटर कुछ यहां पे आएगा, तो 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेना है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना. तो पहले क्या लिखेंगे? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर. सेकेंड, टेकिंग ए एज सेंटर and radius 4 centimeter, draw a circle. Then taking B as center and radius 3 centimeter,
ड्रॉ अनदर सर्किल, ये हो गया। अब आगे क्या बोला, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच सर्किल, यानी इस ए से आपको छोटे वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और इस बी से बड़े वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो पहले इस ए को लेते हैं, तो देखो यहां पे ए और बी है, इस बड़े वाले सर्कल को फिलहाल के लिए दिमाग से निकाल दो। तो ए जो है इस छोटे सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इस ए बी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और वो भी डॉटेड लाइंस। ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इंटरसेक्टिंग एट ओ, हमने इसको ओ मान लिया। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और याद रखिए ये ए इस छोटे सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, लेकिन जो लेंथ ए बी है वो बड़े सर्कल के लिए और छोटे सर्कल के लिए सेम है ना। अगर तुम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो बड़े सर्कल के लिए भी वो वही लाइक करेगा और छोटे सर्कल के लिए भी वही लाई करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस ए बी के हाफ पे ही तो आएगा, और दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। तो ये समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे सेम जगह लाई करेगा। क्योंकि बड़े सर्कल पे तुम जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसके लिए भी तुम्हें ए बी का ही, क्योंकि वहां पे बी एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, तो ए बी का ही तुम्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और छोटे सर्कल पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ए से जब, तो ए बी का ही तुम्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, कंपस लेंगे और ओ पे नीडल को रखेंगे और ए तक उसको एक्सटेंड करेंगे, यानी कंपस लिया, ठीक है, कंपस को लिया और ओ पे हमने नीडल रखा और एक्सटेंड करेंगे ए तक, और उसके बाद हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहां पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स बोल रहा था, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बोल रहा था, हाँ, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स। तो अब सेमी सर्कल ड्रॉ करते हुए पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे, और जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है मान लो P, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है Q, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है R, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है S। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हम अब इस A से P को ज्वाइन करेंगे, फिर इस A से Q को ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद इस B से S को ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद इस B से R को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सर्कल्स पे ड्रॉ करने के लिए AB ही कॉमन लाइन था, इस वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एक ही बाइसेक्टर दोनों के लिए काम करेगा यहां पे। कोई डाउट? अब यहां पे सिक्स क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। यानी एक राइट ट्रायंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी जो है मान लो ये ए है और ये सी है, तो ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 8 सेंटीमीटर है, तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे।
ठीक है, कितना है, 6 और 8, वेरी गुड, परफेक्ट। तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल एट बी, और ये हमारा ए हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा 6 सेंटीमीटर और ये हमारा 8 सेंटीमीटर। ये हो, तो सबसे पहले स्टेप क्या हो गया, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारा स्टेप होगा जो हम लिखेंगे। नेक्स्ट, बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, यानी बी डी जो है ये परपेंडिकुलर है ए सी पे, ये ठीक है, दिस बी डी इज परपेंडिकुलर टू ऑन, सो ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू, फर्स्ट स्टेप वही होगा ड्रॉ ट्राइंगल, सेकेंड स्टेप क्या लिख देंगे, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, यानी बी सी और डी से एक सर्कल ड्रॉ होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट द टैंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी मान लो ये कह रहा है कि जो सर्कल है उसके ऊपर बी डी और सी तीन पॉइंट्स हैं, तो जब किसी तीन पॉइंट से आपको किसी सर्कल को ड्रॉ करना है, बहुत अच्छे से समझना है इसको, यानी क्रॉस करना है उन तीन पॉइंट से ही, तो अगर तीन पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं ऐसे, तो किसी दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो। क्या करना है मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। अब यहां पे ऑलरेडी बी डी और डी सी जुड़े हुए हैं, तो करते क्या है, ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस बी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे सेम वैसे, यानी बी पे रखा नीडल, मोर देन हाफ रेडियस लिया, यहां पे आर्क लगाया, फिर यहां पे आर्क लगाया, फिर डी से लिया आर्क लगाया, आर्क लगाया और ज्वाइन किया, ठीक है। और ये सब किसमें होगा, आपका डॉटेड में, ताकि आप जो है मतलब वो मेन नहीं है, ताकि आप मेन आर्क को जो जो है वो ज्वाइन कर सको, तो बीडी पे हम ज्वाइन करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा मैनुअल ले लेता हूं, मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, मैं थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा हूं इसको, तो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम डीसी का, ये जो डीसी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मतलब पहले तो हम आर्क लगाएंगे, लेकिन मैं यहां पे मैनिपुलेशन कर रहा हूं ताकि कुछ आपको रियल लगे। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ BD एंड DC इंटरसेक्टिंग एट O, यानी ये जो यहां पे ये पॉइंट है ये O है, यहां तक कोई डाउट, यानी जब किसी तीन पॉइंट से एक सर्कल को आपको क्रॉस कराना है तो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए और फिर उन दो लाइन सेगमेंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, और जहां पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं उसको मार्क कर लीजिए। यहां तक कोई डाउट, पिजान बेटा आप उसमें देख लेना वीडियो में, और जो कनेक्टेड थे बच्चे वो बताइए,
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो ओ है और इन तीनों पॉइंट्स में से कोई एक, इन तीनों पॉइंट्स में से कोई एक, तो ओ पे आपको रखना है नीडल और बी तक, यानी कंपास जो है, यानी इन ओ पे रखा और बी तक या डी तक या सी तक आप उसको एक्सटेंड करो और फिर एक सर्कल को ड्रॉ करो और वो सर्कल जो है इन तीनों पॉइंट से क्रॉस करना चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी एक पॉइंट से क्रॉस नहीं कर रहा है, आपका कंस्ट्रक्शन रॉन्ग होगा, यू विल गेट जीरो। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। यानी अब आपने सर्कल को ड्रॉ किया जो बी डी सी तीनों को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहां पे मैनिपुलेट करूंगा और कोशिश करूंगा। वेरी गुड, वाह, एकदम एग्जैक्ट आ गया, वाह क्या बात है, एकदम एग्जैक्ट लाइक कर रहा बी डी सी पे। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया, यानी ओ को सेंटर लेके फिर बी से आपको सर्कल ड्रॉ करना है जो उस बी डी सी से क्रॉस करना चाहिए। अब ये जो ओ है ये इस सर्कल का सेंटर और ए जो है अब इससे आपको, ये जो ए है अब इससे आपको टैंजेंट को ड्रॉ करना है। व्हाइट लाइन बेटा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है शीजन, डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए से आप इस सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करो, तो ए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। अब यहां पे आपको सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ क्या दिखना चाहिए आपको, ए दिखना चाहिए, इसका सेंटर दिखना चाहिए और सर्कल दिख रहा है, इसीलिए मैं ब्लैक से शो कर रहा हूं यहां पर। अब नेक्स्ट स्टेप वही, जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करते वही है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस एओ को ज्वाइन करना है, ये इस एओ को ज्वाइन करना, ठीक है। उसके बाद जो हम जैसे टेंजेंट ड्रॉ करते सेम अब वैसे ही करना है, इस एओ का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, इस एओ का आपको ठीक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इस एओ का इंटरसेक्टिंग AO at M, for example. जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सेम वही कर रहे हैं, कौन सी लाइन बेटा जैद, कोई बात नहीं, सर्कल के अंदर करे चाहे बाहर करे, कोई बात नहीं, उससे आपको स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। अब यहां पे किया, अब M को सेंटर लेंगे और A से A तक रेडियस लेंगे वैसे ही जैसे करते हैं, और उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, सर्कल सेमी सर्कल, क्योंकि हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं तो हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर उसको सर्कल में, यानी इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को मैं, तो सर्कल ड्रॉ करेंगे, मैं इसको थोड़ा कायदे से बना दे, अच्छा देखो शायद इससे बन जाए, हाँ नहीं हो रहा है, चलो मैं कौन सा कलर ले लूं, ये ले लेता हूं, ठीक है। हाँ
अब देखो तो हम ए एम को सेंटर लेंगे, ए तक रेडियस लेंगे और उसके बाद सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब ये सर्कल जहां पे व्हाइट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मार्क इट समवॉट आर एंड मार्क इट क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस ए से, इस ए से बी को ज्वाइन करेंगे और इस ए से आर को ज्वाइन करें। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन, और जो जो स्टेप करते जाएंगे वो स्टेप लिखते चले जाएंगे, दैट्स इट। अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं पूछ रहा है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स व्हाई इट विल रिक्वायर प्रैक्टिस। अच्छे से वीडियो को बार बार देखना और साथ साथ पॉज कर करके बनाते चले जाना और फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते चले जाना। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस इट। देखो बना, पॉज करो बनाओ, देखो पॉज करो बनाओ, फिर उसके बाद एक बार सारे जितने हैं वो खुद से ड्रॉ करो विद द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर डाउट होगा तो पूछिएगा, बट इट्स वेरी इजी, यू कैन ऑल्सो डू इट। ओके, तो यहां पे ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है और यहां पे आपका कोर्स वोर्स सारी चीजें कंप्लीट होती है। तो जैसे मैंने कल भी कहा था, आप व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछ सकते हैं। मुझे लगा कि डाउट ज्यादा है, बच्चों को कनेक्ट करना चाहिए लाइव, तो मैं कनेक्ट करूंगा, उसके लिए पहले मैं मैसेज करूंगा। बोर्ड्स तक आप लोग इस बैच में जुड़े रहेंगे, इसका स्टडी मटेरियल, इसके जो वीडियोज हैं उससे आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ठीक है। टेस्ट तो होगा, टेस्ट आपको देना है, वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज है, आप कुछ डिस्कस करना है, कुछ कहना है तो बताओ। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। अच्छे से तैयारी करो, पढ़ाई करो, जितनी चीजें आप लोग को बताई गई हैं उसको फॉलो करो, रिवीजन करो, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो टिल योर बोर्ड एग्जाम, सारी चीजें भूल जाओ, क्योंकि टर्म वन के मार्क्स आए हैं अभी, 20 मार्क्स आपके इंटरनल बाकी हैं, टर्म टू बाकी है, यहां से यहां तक आप परसेंटेज ले जा सकते हो आराम से। अभी सिर्फ 40% का रिजल्ट आया, 60% बाकी है अभी। आप परसेंटेज को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 20 out of 20, 20 out of 19 तो इंटरनल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अच्छा परफॉर्म किया होगा, इजी टेस्ट एंड ऑल एवरीथिंग, प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, बच्चे स्कोर कर लेते। बचा ये 40, थोड़ी सी मेहनत, फिर देखो। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाकी मैं कनेक्टेड हूं। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।